आज एक अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ पे काफी सारे पॉपुलर आइडल्स आए हुए थे। मुजिंग को देखते ही सुमो उसके पास आ गया और मुजिंग उसकी तारीफ करने लगा कि आज रात सुमो ही सबसे अच्छा दिख रहा है। निंगी बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होगा। सुमो ने बताया कि हुआ हुआ मुशी और बातियान को मिस कर रहा था, तो वो लोग वहाँ पे आने की सोच रहे थे। मुजिंग भी ये चाहता था कि वो दोनों बच्चों को कहीं बाहर ले जाए, लेकिन उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। और उसने सुमो से मदद मांगी कि तुम्हें तो बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस है, तो मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन गुआनशुन बिल्कुल भी नहीं थका है, उसे बच्चे संभालने में बहुत ही मजा आ रहा है। मुजिंग और सुमो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे शाओयांग आया। वो मुजिंग की तारीफ करने लगा कि वो मुजिंग को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, लेकिन मुजिंग ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, कोल्डली ही उसे थैंक्स कहा। शाओयांग फिर सुमो के बारे में कहने लगा कि वो तो सिंगल है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है, तो फिर तुम उससे एडवाइस क्यों मांग रहे हो, उसे बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस थोड़ा है। लेकिन तभी मुजिंग सुमो को लेके जाने लगा कि अभी अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। शाओयांग के डिटेक्टिव ने उसे बता दिया था कि सुमो मैरिड है और उसका बच्चा भी है, और वो चिनफेंग के साथ स्कूल पे बच्चों को पिकअप करने भी जाता है। आज जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें बेस्ट आइडल का अवार्ड सुमो को मिला। शाओयांग भी उम्मीद कर रहा था कि उसे अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि सुमो तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम एक ओमेगा हो, तुमने सीक्रेटली शादी कर ली है और एक बच्चा भी है, लेकिन तुम बाहर तो सबके सामने बहुत ही भोले बने रहते हो। उसने लिख दिया कि जो पहली न्यूज थी उसे पब्लिक कर दो, कि मैं भी जानता हूँ कि सुमो का असली रंग झाड़ने के बाद कौन उसे सपोर्ट करता है। चिनफेंग और सुमो बच्चों को पिकअप करने जाते है वो फोटो लिख हुई थी। सब लोग उस बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप करने लगे, और जब सुमो का इंटरव्यू चल रहा था तब उसके अवार्ड के बारे में नहीं, उसकी सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में सब लोग सवाल पूछने लगे। सुमो बहुत ही परेशान हो गया कि अचानक से ये लोग इस बारे में क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मुजिंग ने वो सारी न्यूज चेक की और सुमो के डिफेंस में आ गया कि ये रूमर्स है, हम रूमर्स के सवालों का जवाब नहीं देते। वो सुमो को लेके जाने लगा, लेकिन मीडिया वाले उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो लोग मुजिंग को धक्का दे के सुमो के पीछे जाने लगे। मुजिंग गिरने वाला था, लेकिन गुआनशु ने आगे उसे संभाला और गुस्से से सारे मीडिया वालों के कैमरे बंद करवा दिए। वो सुमो और मुजिंग को अपनी कार में ले गया, मुजिंग को गर्मा गर्म चाय दी और उसे पूछने लगा कि तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी ना। और जब मुजिंग ने ये कहा कि वो ठीक है, तब जाके गुआनशु ने चैन की सांस ली कि तो फिर अच्छी बात है, अगर उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। और उसने सुमो से भी पूछा कि वो ठीक तो है ना, उसे अभी बहुत ज्यादा डर लग गया होगा। सुमो ने जैसे तैसे स्माइल की और कहा कि वो ठीक है। गुआनशुन कहने लगा कि निंगी तो किसी काम का नहीं, वो अपने लवर का ध्यान भी नहीं रख सकता। सुमो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं जानता हूँ कि मुझसे बेहतर हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। मुजिंग भी सुमो को शांत करता है कि डोंट वरी, ये जरूर ही किसी की तुम्हें गिराने की साजिश है। और उसने तय किया कि मेरे फ्रेंड को चोट पहुंचाने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं उन सबको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। दोनों ही उसकी तारीफ करने लगे कि हाँ तुम बहुत ही कमाल के हो। फिर जब सुमो घर आया तब निंगी भी उसे शांत करने लगा कि सुमो को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसने भी सुमो को चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।